हमारे साथ अगर आप जुड़ रहे हो तो आप मेरे को रिजल्ट से मतलब है। मैंने दो दो टीचर्स लगा रखे हैं, मैंने सब चीज़ कर रखा है, सब चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। एनी हाउ रिजल्ट के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपकी तरफ से भी हम इतना ही मेहनत करना चाहते हैं। और इतनी कम प्राइस में, इतनी कम प्राइस में इतना सारा कंटेंट कोई अगर प्रोवाइड कर रहा है तो हमें बता दो। इतना कम प्राइस में लाइव लेक्चर्स भी हैं, दो दो टीचर्स के साथ हैं, इतने कम अफोर्डेबल प्राइस में हम कोई प्रोवाइड करवा ही नहीं सकता। तो एक बार जाकर के हमारे वेबसाइट पे जरूर विजिट करो, हमारे ऐप पे जरूर विजिट करो। सो हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र MCA CET 2025, जी हाँ 2025 के लिए अगर आप अपेयर होना चाहते हो, नेक्स्ट ईयर जो है आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, पूरा डिटेल में जो है सब चीज़ आपको आज क्लियर कर दूंगा मैं। फुल वीडियो देखना, ठीक है? पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा क्या एग्ज़ाम होता है, क्या पेपर का पैटर्न होता है, कहाँ कब इसका एग्ज़ाम होता है, क्या चीज़ है ये महाराष्ट्र MCA CET जो मैंने लिखा है, ये क्या है, क्या चीज़ इसको डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है, लेकिन हमें इसे देने से क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो ए टू जेड जो है आपको आज क्लियर होने वाला है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में मैं एक ऐसा सरप्राइज देने वाला हूँ आपको, एक ऐसा चीज़ बताऊँगा जो आप बहुत अच्छे से, जो आपको बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे जो सोशल मीडिया ग्रुप्स है उसमें आप जरूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाना। ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, ये इंस्टा का है, फिर टेलीग्राम का है, सभी का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा होगा। इसमें लिंक मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन में। देखो, इन ग्रुप्स को जुड़ने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि अभी पूरे साल कुछ कुछ नोटिफिकेशन आएगा, कुछ कुछ जो भी चीज़ आएगा महाराष्ट्र MCA CET के लिए, मैं वहाँ पर डालता रहूँगा। जो आपका प्रिपरेशन प्लान भी है वो जो मंथली मैं बनाऊंगा अभी, वो भी आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। फिर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं सभी चीज़ मिलेगा। तो ये सब फ्री है ग्रुप्स वगैरह, तो जा करके आप जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाना, आपको बेनिफिट ही होगा, ठीक है? लिंक जो है वो बायो में मिल जाएगा। क्या क्या है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो भी देख लो, क्योंकि पूरा डिटेल में होने वाली है ना, तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, बट पूरा देखोगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि महाराष्ट्र MCA CET होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, जो OMS कैंडिडेट है, MS कैंडिडेट है, ये सब क्या होता है, MS OMS क्या होता है, ये सब चीज़ों बहुत 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 को नहीं पता। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि सबसे पहले आप एलिजिबल हो कि नहीं हो वो तो पता होना चाहिए ना, बच्चे एलिजिबल है कि नहीं है, हम इस एग्जाम को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, सबसे पहले वो पता चलेगा, तभी जो है वीडियो देखने का मतलब भी बनता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन MCA जो है दे सकते हैं महाराष्ट्र से, कौन कौन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सब चीज़ पे भी डिस्कस करने वाले। पेपर का पैटर्न, इस पेपर का पैटर्न कैसा होता है, जब हम किसी भी चीज़ को फोड़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही हो जाता है पेपर का पैटर्न, क्या सिलेबस वगैरह रहेगा। इसके डिटेल पे सिलेबस में वीडियोज आएगी आपको, जो डिटेल सिलेबस होगा उस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज डल चुके हैं, तो जाकर के आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, वो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। फिर इसका एग्जाम डेट कब है, कब से जो हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, इसका एग्ज़ाम कितना टफ होता है, क्या होता है, सब चीज़ पे जो है अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले। फिर टॉप कॉलेजेस, इस एग्ज़ाम को देखो, कोई भी एग्ज़ाम क्यों देते हो, कि कुछ हमें अचीव हो, तो ये एग्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा होगा, कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, कौन से टॉप कॉलेजेस मिलेंगे, तो टॉप कॉलेजेस आपको पता होना चाहिए, अभी से अगर पता रहेगा ना तो बहुत सही चीज़ होगी, ठीक है? तो टॉप कॉलेजेस हो गए। फिर प्रिपरेशन प्लान हम देखेंगे कि हम लोग प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी चीज़ युद्ध लड़ने जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, आप कुछ प्लान करके जाते हो, कुछ पहले से आप रेडी करके जाते हो, फिर वहाँ पे जा करके एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है? तो हम लास्ट में इसका प्रिपरेशन प्लान भी देखने वाले कि कैसा होने वाला है, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और नीचे जो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया ना वो जा करके जरूर, जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप जा करके जरूर फॉलो करो, ग्रुप्स को ज्वाइन करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, क्योंकि वो भी तो पढ़ ही रहे ना, आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, अभी से जब आप स्टार्ट करोगे तो ये वीडियो सबको पहुंचना चाहिए, सबके लिए ये बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, महाराष्ट्र MCA CET है क्या, ठीक है? महाराष्ट्र MCA CET 25 है क्या? तो ये महाराष्ट्र MCA CET, महाराष्ट्र मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, जो हमें महाराष्ट्र में, ये स्टेट लेवल एक एंट्रेंस एग्जाम है, इससे हमें महाराष्ट्र में जितने कॉलेजेस है, ठीक है, महाराष्ट्र में जितने कॉलेजेस हैं MCA जो जो प्रोवाइड करता है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है? तो महाराष्ट्र में कम से कम 90 to 100 कॉलेजेस हैं,
ठीक है, 9200 कॉलेजेस, तो इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है ना, इनमें एडमिशन लेना है तो सिर्फ आपको ये CET देना पड़ेगा, महाराष्ट्र MCA CET देना पड़ेगा, CET MCA मैं लिख दे रहा हूँ 2025, इसका जब भी एग्जाम होगा तो आपको ये देना पड़ेगा। इसके थ्रू जो है आपको एडमिशन मिलेगा महाराष्ट्र सिटी के टॉप के कॉलेजेस में, जो आपको एडमिशन मिलेगा। और क्या होता है, जैसे आप NIMCET देते हो या फिर आप IIT देते हो, ठीक है, JEE मेंस, JEE एडवांस देते हो, तो उससे क्या होता है आपको आपके रैंक के बेसिस पे कॉलेजेस मिलते हैं, टॉप के टॉप NITs कॉलेजेस मिलते हैं। इवन आप NIMCET देने जा रहे हो तो NIMCET जब देते हो तो उससे आपको टॉप के NIT कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जब आप महाराष्ट्र MCA CET दोगे, महाराष्ट्र MCA CET 2025 का एग्जाम दोगे, तो आपको महाराष्ट्र में जितने कॉलेजेस हैं उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। आपके रैंक के बेसिस पे जो है बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, टॉप कॉलेजेस, लोअर कॉलेजेस, मिडिल कॉलेजेस, तो आपके रैंक के आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, सबसे पहले तो आपको मस्ट होना पड़ेगा इन नेशनलिटी, इंडियन होना ही होना है आपको, इंडियन हो अगर आप हो तभी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। फिर आपका बैचलर्स में जो है वो 50% कम से कम मार्क्स आना चाहिए, और अगर आप रिजल्ट कैटेगरी में हो, STSC में हो, तो आपके 45% मार्क्स भी होंगे तो भी चल जाएंगे काम, ठीक है। आपका 50% मार्क्स होना चाहिए किस में, ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में जो है आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, और टेंथ और ट्वेल्थ में किसी एक में जो है आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भैया हमारे पास टेंथ ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स नहीं था, तो आपका टेंथ प्लस टू, यानी कि टेंथ प्लस टू क्या होता है, ट्वेल्थ में या फिर और ग्रेजुएशन में, ठीक है, ग्रेजुएशन में, इन दोनों में से किसी एक में भी अगर मैथ्स है ना तो आप एलिजिबल हो। क्या मैं बोला, ट्वेल्थ में मैथ होना या फिर ग्रेजुएशन में मैथ होना, किसी एक भी में भी मैथ है ना, ग्रेजुएशन में वो भी कि आपके कोई भी एक सेमेस्टर में मैथ्स है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चे यही होते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारे नन CS बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सारे BCA करके नहीं आते हैं, बहुत सारे अदर स्ट्रीम से आते हैं, तो उनको कन्फ्यूज़न होता है। तो आप ग्रेजुएशन में या फिर ट्वेल्थ में किसी में भी अगर आपका मैथ्स है तो आप एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन भी अगर आप कर रहे हो तो कोई भी सेमेस्टर में, अगर कोई भी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट मैथ है तो आप एलिजिबल हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट फाइनल ईयर, जैसे कि आप ये लास्ट ईयर है तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि आपके एडमिशन के टाइम तक जो है रिजल्ट भी आ गया होगा ग्रेजुएशन का, और आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, हम कमेंट का भी जो है आंसर देने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका आप देख लेते हैं पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है, पेपर का पैटर्न, सॉरी। तो चलिए अब हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्या, ये 1.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, 90 मिनट का जो है ये आपका पेपर होता है। सब इसमें क्या होता है, कभी कभी जो है ये मिक्स्ड आ जाते हैं आपके, इसके क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स के जनरल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश के ये कवर कर रहे होते हैं। आपका मैथ्स आता है इसमें, ठीक है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, कंप्यूटर आता है, ठीक है, कंप्यूटर, और फिर जो आपका लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आता है। तो ये चार जो है आपके पार्ट हैं, चार सब्जेक्ट्स आते हैं आपके। इसमें से क्या होता है, इसमें से मैथ्स के आ जाते हैं 30 क्वेश्चंस, फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग के आ जाते हैं 30 क्वेश्चंस, और आपका जो है 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं इंग्लिश से, और 20 आ जाते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। लेकिन ये हर एक साल फ्लैक्चुएट करता है, कभी कभी क्या होता है, कभी मिक्स्ड पेपर आ जाते हैं, मतलब कि कभी कभी मैथ से ज़्यादा आ गए, कभी लॉजिकल। लेकिन अगर आप जब सिलेबस देखोगे, ऑफिशियल सिलेबस देखोगे, तो यही पेपर का पैटर्न है। तो हम लोग जो भी प्रोवाइड करवाते हैं इसी को देखते हुए, इसी का पेपर जो भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं सेम इसी पेपर को फॉलो करते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। कभी कभी इसका मिक्स्ड आ जाता है तो जंबल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 2024 में क्या हुआ था, जो 2024 में जो इसका पेपर सेक्शन वाइज आए थे, मतलब 30 30 30, 2022 में मिक्स्ड आया था, 2023 में मिक्स्ड आया था, ठीक है। मिक्स्ड मतलब कि कभी मैथ एक क्वेश्चन मैथ्स के हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग का हो सकता है, उसके अगले क्वेश्चन कंप्यूटर का हो सकता है, इस टाइप से मैं बोल रहा हूँ। जब आप सिलेबस वाली वीडियोस देखोगे ना तो उसमें प्रॉपर डिटेल में पेपर का पैटर्न, फिर क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, कौन कौन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, डिटेल में मैंने कवर करवा रखा है। तो जाकर के वो वीडियो जरूर देखना, आई बटन में उसका लिंक जो है वो मिल रहा होगा। आप सिलेबस पे देखना चाहते हो वीडियो तो प्रॉपर सिलेबस पे मैंने वहाँ पे बना रखा है। ये एग्ज़ाम का डेट है अप्रॉक्सीमेट डेट, मतलब कि अप्रॉक्स आप ले करके चल सकते हो, इसमें आपके चांसेस हैं।
ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, इसे आप फैब में भी जा सकते हैं, फैब में ही उम्मीद है जनवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है और फैब तक चलता है। तो ये मोटा मोटी डेट है, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, बस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ही होगा, ज़्यादा नहीं। एक बार आप रफ आइडिया ले लो। फेबररी से जो है आपका रजिस्ट्रेशन एंड हो जाता है, ठीक है। फोर्थ वीक ऑफ एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है, फिर आपका एग्ज़ाम होता है मार्च में। इस बार क्या हुआ था, 14th मार्च को एग्ज़ाम था हमारा, ठीक है, 2024 में 14th मार्च को हमारा एग्ज़ाम था, और जो रिज़ल्ट है ये अप्रैल नहीं मई में आया था, ठीक है, मई में आया था रिजल्ट। 1 मई को आपका रिजल्ट आ चुका था, ठीक है, 1 मई को रिजल्ट आ चुका था 2020 में। और काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। कब ये अभी कितना चल रहा है, अभी जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी आज है 18 जून, अभी 18 जून है, अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी तक इसका जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, देखो कब होता है, क्योंकि इस बार इलेक्शन वगैरह थे तो इतना लेट नहीं होता है, बट इस बार हो रहा है क्योंकि इलेक्शन थे और बहुत सारे रीजंस थे, तो अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है इसका, ठीक है। तो ये था हमारा। अब इसमें हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो आपको टॉप कॉलेजेस VJTI है। VJTI याद रखना, सबसे पहले हम OMS और MS कैंडिडेट को डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। OMS कैंडिडेट मतलब अदर देन महाराष्ट्र स्टेट, जैसे महाराष्ट्र में नहीं रह रहते बच्चे, बहुत सारा अलग अलग रहता है, क्या बोल सकते हो आप, जैसे बिहार से, झारखंड से, बंगाल से, इन सबको OMS कैंडिडेट बोलेंगे, ठीक है, अदर देन महाराष्ट्र स्टेट। और महाराष्ट्र स्टेट में जो बच्चे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जिसके पास डोमिसाइल है सब है, तो वो महाराष्ट्र स्टेट से रहते हैं, ठीक है। ये OMS हो गया, ये हमारा हो गया MS कैंडिडेट, ठीक है। इसमें देखो टॉप कॉलेजेस की बात करें तो VJTI, SPPU, PCCOE है। इस ये जो VJTI है ना, ये सिर्फ MS कैंडिडेट के लिए सीट्स है, इसमें OMS की कोई भी सीट्स नहीं होती है। SPPU में तीन से चार सीट्स होती है, चार सीट्स मान सकते हो, फोर सीट होती है टोटल। PCCOE हो गया, पिंपरी हो गया, IMCC हो गया, इंदिरा हो गया, कुड़ी हो गया, इन सब का जो है सीनियर्स का पॉडकास्ट पड़ा हुआ चैनल पे, तो जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हो कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया था, कैसे जो है यहाँ तक पहुँचे। SPPU में है, PCCOE में है, पिंपरी में है, IMCC में, सब कॉलेजेस का, जितने भी टॉप कॉलेजेस का है मैंने पॉडकास्ट डाल रखा है, तो जाकर के एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में जाओगे तो, ठीक है। अब जो है लास्ट है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्योंकि हमें सब चीज़ पता चल गया, हमें ये होता है ये होता है, अब लास्ट है कि प्रिपरेशन कहाँ से होगा। तो प्रिपरेशन का देखो, ठीक है, प्रिपरेशन क्योंकि ये एग्ज़ाम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, निमसेट के लेवल का एग्ज़ाम है नहीं, उससे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। बट 2022 से जो मैथ्स का पेपर है ना, मैथ्स का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया है। क्यों किया डिफ़िकल्ट, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हर एक साल बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो थोड़ा सा तो टफ होना जाहिर सी बात था। तो मैथ्स का लेवल वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस चैनल पे जो है आपको वो भी मिल जाएगा, इस ईयर का जो पेपर आया था उसका एनालिसिस वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हो कि किस लेवल के पेपर आए हुए थे, ठीक है। तो मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना, कहीं से भी करो, ये मतलब नहीं बनता, आपको प्रिपरेशन करना है तो मैथ्स पे फोकस करना है। क्योंकि क्या हो रहा था, इस बार 100 मार्क्स पे भी बच्चे के परसेंटाइल 20%, फिर आपका 15%, फिर आपका 30%, इस टाइप के से परसेंटाइल बना 100 मार्क्स पे। टोटल 200 का होता है, ठीक है, 200 का पेपर होता है, उसमें से 100 नंबर ले आए, मतलब 50% मार्क्स ले आए, लेकिन फिर भी जो बच्चों की परसेंटाइल बन रही थी वो 20-30 इस टाइप से परसेंटाइल बन रही थी। तो सोचो कितने टफ हो गए, क्लस्टरिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें थी, तो वो आपको अभी प्रिपेयर करनी होगी। तो मैथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है महाराष्ट्र MCACET के लिए, फाउंडेशन बैच। आप जैसे ही हमारे MCAgyan ऐप डाउनलोड करोगे या फिर वेबसाइट पे भी विजिट करोगे, ठीक है, www.mcagyan.in, या फिर आप विजिट करोगे, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या हमारा ऐप पे विजिट करोगे तो आपको ये बैच दिख जाएगा। इस बैच में क्या है, ऑल सब्जेक्ट्स वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, फिर जितने सब्जेक्ट्स हैं सबके वीडियो लेक्चर्स हैं, एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस भी होगा। मैंने मॉक टेस्ट जो डालूंगा तो आपके जो भी मैथ्स फैकल्टी होंगे, कंप्यूटर फैकल्टी होंगे, जो भी फैकल्टी होंगे वो आपको एनालिसिस भी करवाएंगे मैथ्स, ये मॉक टेस्ट का, ठीक है। फिर शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल होगा, फिर लाइव डाउट सेशंस भी होगा। हमारा सैटरडे संडे को लाइव सेशंस होता है, पूरे जो है वीक रिकॉर्डिंग्स चलती है, रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती है, आप रिकॉर्डिंग्स देखो समझो, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लाइव सेशन में आकर के पूछ सकते हो। हमारे पास दो मैथ्स टीचर हैं, एक खुशहाली चौहान है, आदेश गौरव भी है, और एक अभी
श्रेयान सरकार जो है वो ज्वाइन किए हमें, 99.93 परसेंटाइल आया था लास्ट ईयर, 99.93 परसेंटाइल आया था, ठीक है। अभी उनके डेमो वगैरह भी देख रहे होगे, जब जाओगे हमारे एम सी ज्ञान वेबसाइट पे तो डेमो भी है, तो जाकर के वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी प्लेस्ड हैं, ठीक है, तो इन आपका अलग ही बेनिफिट होगा। हम लोग मैथ्स के क्यों दो टीचर्स रखें, देखो क्या होता है, आपको कोई कहीं भी कोई प्रोवाइड नहीं करने वाला है कि एक ही बैच में दो दो टीचर्स होंगे। बहुत सारे बच्चे का एक टीचर से नहीं समझ में आता है, बहुत मैंने हर बार देखा कि एक टीचर से नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई और है आपको समझ में नहीं आ रहा, उनके पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम लोगों ने क्या रखा, हम लोगों ने दो टीचर्स रखे, एक का नहीं आएगा तो दूसरे का तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो और नहीं भी आता है तो आप डायरेक्टली डाउट सेशन है आपके पास, डायरेक्टली आप पूछ सकते हो, आप देख सकते हो, आप हमेशा उनसे कनेक्ट हो सकते हो, पूरे साल आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर इंग्लिश के लिए हमारे पास, ठीक है, इंग्लिश के लिए है, कंप्यूटर के लिए, मतलब बहुत सारे है, आपको कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए है, फिर आपका स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कंप्यूटर LR के लिए। हम लोगों ने ये भी किया है कि जैसे क्या होता है, ये बैच बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे ने अभी 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 भी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है, तो बच्चे जुड़ चुके हैं, तो इसमें क्या होता है, बच्चे ने परचेस तो कर लिया इसे, ठीक है, 2025 परचेस कर लिया, और क्या करते हैं, बहुत सुस्त हो जाते हैं, पढ़ते नहीं है, तो उस पर भी हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई की है। जो बच्चे हमारे बैच जुड़ते हैं, जैसे कोई भी चैप्टर्स कंप्लीट होता है, ठीक है, चैप्टर्स कंप्लीट होता है, उस पर हम लोग टेस्ट लेते हैं, अगर 70% नहीं आता है तो हम लोग कुछ दिनों कुछ महीनों के लिए उसके जो बैच है वो बैन कर देते हैं, ना उनको लाइव मिलती है, ना उनको रिकॉर्डिंग्स क्लास मिलती है, ये पनिशमेंट के तौर पे हम लोग ये करते हैं। उससे क्या होता है, उससे बच्चे एक्टिव होते हैं, टेस्ट देते हैं, कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछते हैं, बच्चे पहले पूछते हैं, पूरा प्रिपेयर होते हैं, फिर टेस्ट देते हैं। तो ये हम लोग जो है आप लोग के लिए इतना एफर्ट डाल रहे हैं, इतना सब चीज़ कर रहे हैं, तो आपसे भी हमें रिजल्ट चाहिए होता है, इसलिए हम लोगों ने ये किया। तो अभी जो हमारे साथ हैं जुड़े हुए, उनको पहले ही जो है ग्रुप वगैरह में बता दिया गया कि ये रूल है, तो आप जा करके सबसे पहले हमारे साथ अगर आप जुड़ रहे हो तो आप, मेरे को रिजल्ट से मतलब है, मैंने दो दो टीचर्स लगा रखे हैं, मैंने सब चीज़ कर रखा है, सब चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। एनी हाउ रिजल्ट के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जब हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपकी तरफ से भी हम इतना ही मेहनत करना चाहते हैं। और इतनी कम प्राइस में इतना सारा कंटेंट कोई अगर प्रोवाइड कर रहा है तो हमें बता दो, इतना कम प्राइस में लाइव लेक्चर्स भी हैं, दो दो टीचर्स के साथ हैं, इतने कम अफोर्डेबल प्राइस में हम कोई प्रोवाइड करवा ही नहीं सकता। तो एक बार जाकर के हमारे वेबसाइट पे जरूर विजिट करो, हमारे ऐप पे जरूर विजिट करो, फिर पता करो, इतने कम प्राइस में अगर कोई ये बैच प्रोवाइड करवा रहा है ना, फिर हमें पिन करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये भरपूर हो गया, मतलब बहुत सारा ज्ञान हो गया इसमें, आप अगर महाराष्ट्र सिटी देने जा रहे हो तो आराम से जाओ, देकर के आओ, ठीक है, आपको ये क्रैक करवा ही देगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।